नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल में एमपीपीएससी टॉपर ज्योति राजौरे से मिलने पहुंचे मंत्री विश्वास कैलाश सारंग। मंत्री सारंग में मिठाई खिलाकर टॉपर ज्योति को दी शुभकामनाएं। मंत्री सारंग ने टॉपर ज्योति के घर पहुंचकर दी बधाई। नरेला विधानसभा के वर्धमान ग्रीन पार्क में निवासरत है ज्योति राजौरे। नरेला परिवार के लिए गर्व का क्षण, बहन ज्योति की सफलता सभी के लिए प्रेरणा। मंत्री सारंग, टॉपर ज्योति राजौरे 2017 से कर रही थी तैयारी। ज्योति राजौरे ने एमपीपीएससी में 10वीं रैंक की है हासिल। मैं पूरा श्रेय अपने परिवार को, मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो, उनके लिए हैट्स ऑफ है, क्योंकि अगर वो गृहस्थी में मेरा सहयोग नहीं करती तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती। और मेरे फादर इन लॉ जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है, इसकी तैयारी करना है। तो बच्चे के जन्म के बाद, जब मेरा बेटा 3 साल का था, उसके बाद से मैंने तैयारी शुरू की और आज करीब 6 से 7 वर्ष हो चुके हैं और अंत काफी अच्छा हो रहा, सुखद रहा, तो पूरा परिवार खुश है। इतनी बड़ी सफलता मिली आपको, सबसे पहले किसने खुशखबरी दी और आपको? जी, मेरी एक फ्रेंड है जो कि अभी शिक्षा विभाग में सहायक संचालक 2019 में उनका चयन हुआ है, ऐश्वर्या। तो उन्हीं का कॉल आया सबसे पहले कि दीदी आप डिप्टी कलेक्टर बन गई हो। कई समय से मैं उनको जानती हूँ, 2019 में मेरा 19-20 में चयन नहीं हुआ था। दीदी आप फाइनली डिप्टी कलेक्टर बन गई हो, पढ़ाई छोड़ दो। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, फिर उन्होंने बोला कि नहीं 10th रैंक आई है। तो तब फिर मैंने अपने परिवार को बताया। महिलाओं के लिए कोई संदेश? महिलाओं के लिए संदेश है कि पढ़ाई, कला या कोई भी ऐसा क्षेत्र हमेशा ही जेंडर न्यूट्रल होता है, तो उन्हें, हमें अपने आप को किसी भी चीज में पीछे नहीं रखना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हर क्षेत्र में हिस्सा लेना चाहिए। और जब महिलाएं हिस्सा लेंगी तभी हमारा प्रदेश और हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो उन्हीं के, उनके लिए यही संदेश है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आगे बढ़कर आएं। परिवार में खुशी का पल आया है, हमारे नरेला परिवार की, नरेला विधानसभा की बहन ज्योति राजौरे जी पीएससी में सिलेक्ट हुई है और केवल सिलेक्ट नहीं हुई बल्कि उन्होंने रैंक भी हासिल की है। आज मैं उनको प्रत्यक्ष रूप से बधाई देने आया हूँ, यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। और ज्योति बहन का जो ये सफलता का जो सफर है ये बहुत प्रेरणादायी है, क्योंकि वो विवाहित हैं, परिवार के साथ हैं, उनका बेटा है, वो सब जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने ये एग्जाम को क्रैक किया है, सफलता अर्जित की है। वो स्वयं डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथी की डॉक्टर हैं, उसकी जिम्मेदारी भी निभाई, जॉब भी किया, परिवार की जिम्मेदारी भी निभाई, अपने सास ससुर की सेवा की, पति देव की सेवा की, बच्चे का अच्छा पालन पोषण किया और उसके साथ साथ पीएससी क्रैक किया और केवल क्रैक नहीं किया, रैंक भी हासिल की। तो ये एक बड़ी सफलता है और ये निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी प्रेरणादायी उनका सफर है जो कि इस तरह के प्रशासकीय सेवा में जाने के लिए एग्जाम देते हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि वो बहुत सफल हो। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।